साहिबा और अंगद, आज तो हम बात कर रहे हैं फेस मिस्क की, जो कर देते हैं हमें रिफ्रेश। लेकिन आपके आसपास कोई तो है जो स्प्रे करता है षड्यंत्र और जालसाजी का फेस मिस्क, तो जरा बचकर देखिए। हम रखते हैं आपका कितना ख्याल और हमें रहती है हमेशा आप दोनों की फिक्र। तो क्या कुछ कह रही है इन दोनों की ये कहानी, लेकर चलते हैं आप सबको तेरी मेरी डोरियां के सेट पर। एक तरफ है अंगद साहिबा की मोहब्बतें, तो दूसरी तरफ है अंगद को रिझाने की सीरत की कोशिशें। तरफ अंगद और साहिबा पर टूट रहा है हादसे का कहर, तो वहीं दूसरी तरफ अंगद के प्यार पर है सीरत की नजर। स्टार प्लस के सीरियल तेरी मेरी डोरियां में अंगद और साहिबा के बीच की सारी गलत फहमियाँ अब मिट रही हैं, दोनों के बीच की नजदीकियाँ भी बढ़ रही हैं, और ये सब मुमकिन हुआ है सिमरन की वजह से, क्योंकि उसे ही तो छोड़ने के लिए अंगद और साहिबा लुधियाना से मनाली आए थे, और अब मनाली से ही इनके नए रिश्ते का शुभारम्भ हो रहा है। अंगद ने एक्चुअली यहाँ आने का प्लान किया था बिकॉज ही वॉन्टेड कि वो साहिबा को के साथ बात करे, उन्हें थोड़ी प्राइवेसी मिले और वो अपने दिल की बात कह सके। तो वैसा हुआ और साहिबा से उसने कह दिया जो कुछ उसे कहना था, माफ़ी भी मांगनी थी या जो भी चीज़ें थी वो हो गई। भाई दोनों ने तो तय कर लिया है कि वो अपने रिश्ते को दूसरा मौका ज़रूर देंगे। इसी खुशी के साथ दोनों मनाली से निकल तो पड़े हैं लुधियाना आने के लिए, लेकिन तभी रास्ते में आ जाता है ट्विस्ट। अंगद की गाड़ी के साथ हो जाता है हादसा और दोनों हो जाते हैं एक्सीडेंट का शिकार। हम लोग खुशी खुशी कहीं जा रहे थे, अब इतने टाइम बाद एनिवर्सरी भी हो गई और उसके भी टाइम बाद फाइनली कुछ अच्छा हुआ था। दोनों एक्चुअली काफ़ी खुश थे और खुशी को बस नज़र ही लग गई है। ठुक गए हैं, ठुक क्या गए हैं पता नहीं क्या हुआ है कि सडनली गाड़ी पहाड़ों पर चल रहे और एकदम से बहुत राउंड राउंड घूमी और कहीं जाकर ठुकी और हम दोनों को काफ़ी चोटें आई हैं। तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कुछ क्या हो गया। और अब अंगद जब तक होश आता एकदम, मतलब हम खड़े हुए हैं, फिर धुआं धुआं हो गया है, फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर बेहोश हो गए, फिर जब मैं उठी तो अंगद नहीं मिला, अंगद खो गया है। वो मिलेगा भी कैसे, क्योंकि उसे तो सीरत वहां से ले जा चुकी है। असल में इस हादसे के पीछे किसी और का नहीं बल्कि सीरत का ही हाथ है, क्योंकि अब उसने तय कर लिया है कि वो अंगद को अपना बना कर रहेगी, इसीलिए वो उसे वहाँ से ले गई। और देखिए कैसे बेहोश पड़े अंगद को रिझाने के लिए पूरी तैयारी कर रही है, अपना साज श्रृंगार कर रही है। नहीं, मुझे नहीं पता किसका हाथ है। एक ओवरकोट पहना हुआ बंदा है, टोपी पहनी हुई थी, और हम तो बेहोश हो गए थे तो हमें कैसे पता होगा कौन था। ऑफकोर्स अगर अंगद को ले जा के कहीं बंद कर दिया, उसके साथ कुछ गलत कर दिया, तो भूचाल तो आ ही जाएगा ना साहिबा की लाइफ में। अब वो उसे बचा पाती है या नहीं,
वो बहुत सीरियस क्वेश्चन है, उसके लिए देखते रहिए तेरी मेरी डोरियां 7 बजे स्टार प्लस पर। वहाँ साहिबा जंगलों में अपने अंगद को ढूंढ रही है तो यहाँ सीरत अपने मकसद में कामयाब होने की तैयारी कर रही है। इससे पहले कि वो अंगद को अपने करीब लाती, अंगद को आ गया होश और सामने आ गई सीरत। खैर, अंगद ने तो सीरत के नापाक इरादों को भांप लिया है। अब देखना होगा कि क्या सीरत अपने इस इरादे में कामयाब हो पाएगी या इससे पहले आ जाएगी अंगद की साहिबा उसे बचाने के लिए। अंगद, ये दुनिया हमें एक नहीं होने दे रही थी ना? साहिबा, तुम वहाँ? इसलिए मैंने तुम्हें अपना बनाने के लिए कैद कर लिया। साहिबा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? दुनिया से दूर मेरे दिल में, देखो। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, हम तो लेकर आते ही हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें और साथ ही साथ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ। बाय।